अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को करोड़ों का फायदा हो रहा है। फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अब तक 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं इस फिल्म का ग्रॉस 100 करोड़ 55 लाख रुपए हो गया है। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई कर ही रही है। वहीं फिल्म हाउसफुल 4 को विदेशों से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने विदेशों में अब तक 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने ट्विटर के जरिए दी है। रमेश ने लिखा है, साजिद नाडियाडवाला एंड फॉक्स स्टार स्टूडियोज रीइंकार्नेशन कॉमेडी हाउसफुल 4 कंटिन्यूज इट्स मैग्निफिशेंट रन इन ओवरसीज अर्निंग 21.40 करोड़ इन इट्स ओपनिंग वीकेंड। तो देखा आपने, फिल्म ने अपने वीकेंड में ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 121 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई की है। कहना गलत नहीं होगा कि हाउसफुल 4 विदेशों में भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय के अलावा कृति सैनन, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा भी लीड रोल्स में है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म का बजट 80 करोड़ है, जिसे इस फिल्म ने 4 दिनों में ही पार कर लिया है। बता दें कि हाउसफुल 4 को क्रिटिक्स की तरफ से बेहद ही खराब रिव्यूज मिले थे, जिसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही बुरा हाल होगा। लेकिन जिस हिसाब से ये फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जल्द ही ये फिल्म कोई बड़ा कारनामा करने वाली है। बता दें कि ये हाउसफुल सीरीज की 4थी फिल्म है। इससे पहले के 3 पार्ट्स दर्शकों को काफी पसंद आए थे। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि हाउसफुल 4 अपने पहले वीक में कितने करोड़ का कारोबार कर पाती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। जंकी जी जी जी, तो पिलर नहीं है? नहीं नहीं, पिलर ही है सर। वो क्या फर्नीचर है? तो सर ये बदलने के बाद आप लोग पुराने को एक्टर्स को कितना मिस करते हैं, आप सर अक्षय कुमार और रितेश सर? वो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे। बल्कि मैं और नाडियाड एक दिन यही सोचे थे, ये एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, क्योंकि वो तो वो ये कह सकता हूँ, नाडियाड में बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स। तीसरा सवाल, अक्षय जी, दोनों कीर्ति और पूजा जी आपसे सवाल था। अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंकस्टर के लिए अच्छे जाने जाते हैं, हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक करते हैं। तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? आई थिंक थैंक्स टू हिम, हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट। आपको याद नहीं है? ऑफ कोर्स, ऐसे वो गेम खेलते हैं कि लाइक ही विल ब्लाइंडफोल्ड अस और फिर हमें ऐसा मत कहो, बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये जरूर आएगा कि लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे तो बस बातों बातों में बोला, तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा। And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he is one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny, very very. Okay, एक जान शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे, भगवान का वास्ता है, तीन लेके आया, वो तीन लाता है। Okay. अक्षय बाजी on the left, अक्षय बाजी on the left, यहाँ पे. This is Simran Singh from First Post, and congratulations to the team. Within 9 years, this is the 4th film. So, मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर हैं, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे वो साजिद खान, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने हेल्प की थी. But in future, will you work with him again? Well, देखिए, if he's सब कुछ ठीक रहा, if he's acquitted with everything, I mean, which I don't know what has happened exactly, and if he is. After that, surely I will. रितेश जी आपके ठीक सामने, हाय। हाँ सर। You know, कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं। कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, और क्या क्या निकाल लेते हैं। पहला सवाल सर,
अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. वाह बांगड़ू महाराज वाह. शायद पुनर्जन्म जी. शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूँगा. यू नो डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानी आपके सामने रहती तब आप ऐसे एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है. एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है. एंड सो ऑल थैंक्स टू द राइटिंग एंड द डायरेक्टर दैट हैज हेल्प मी डू दिस. बट व्हाट आई सेड वाज इन गुड स्पिरिट, सो इफ इट हर्ट्स यू आई एम डैम सॉरी. नो इट्स ओके. बट आई हैव टू से दैट जितना नजाकत और अदा रितेश में है, हम तीनों में नहीं है. नजाकत भी नहीं है. Like, मुझे आई लव टू कम टू टेक क्लासेस फ्रॉम बांगड़ू महाराज. अच्छा एक आखिरी सवाल, आप तीनों महारानियों से हैं. यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल फोर, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल फोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे? लाइक तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है. वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडरवाला सर हु हैज़ लॉन्च्ड मी. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे आई कुड हैव कम बैक वर्किंग विद हिम एट होम विद अ ग्रेट फ्रेंचाइज लाइक हाउसफुल फोर. पूजा जी या आई डोंट थिंक मुझे कभी लगा था कि मैं हाउसफुल करने वाली हूँ, बिकॉज लाइक शी सेड आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्टर. बट आई थिंक जो आपने 1, 2, और 3 हाउसफुल देखा ये बहुत ही अलग है. इवन सिंपल थिंग्स जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस यू नो, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स सो यूनिक दैट आई गॉट टू प्ले पास्ट लाइफ and present life in one film, so it's going to be unique. आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी? Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला poster आया था, for me it was a moment of pride. मैंने mom को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online, saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special. But Houseful definitely it ticks something off my bucket list and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people and period drama bhi kar liya, Houseful bhi kar li, 2-in-1 ho gaya hamara to. Akshay ji ek aapke theek samne inki list ek ek aakhri sawal mera aapse. You know aapne kai baar bataya hai ki jisse aapne acting seekhi hai jo aapke guru hain वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है, तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज़. मैं उनको फ़ोन करके कह दूँगा हमारे लिए वीडियो बाइट कर लूँगा बेटा, कर लूँगा मैं. Hello, Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies and there is one question. Sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir. या माई क्वेश्चन टू यू इज़ लाइक इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, दो अलग अलग रोल करना और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए, बिकॉज द ट्रेलर वॉज माइंड ब्लोइंग. सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा. दूसरी बात है एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नाडियाडवाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को ले कर उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर
जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है। ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी, उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो। और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी इसको।